हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैंने नहीं कहना, बहुत फॉर्मल हो जाता है, बहुत क्लीशे हो जाता है। आज हम लोग, मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, आई डोंट नो देखी है, देखी अगर नहीं देखी, ठीक है ना। 100 व्यूज आए हुए हैं उस पर, 100 में से 40-50 व्यूज आ गए हैं, कोई 20-30 मेरे अपने हो गए, कोई 8-9 अल्लाह के लोग हो गए जिन्होंने देखी है मूवी, उन्होंने चैनल लाइक भी कर दी है, ठीक है। तो 100 व्यूज शॉर्ट फिल्म पे, आपने शॉर्ट फिल्म नहीं देखी तो आप इसके बाद शराफत से, ये नहीं कहना भाई स्पॉइलर आ गए हैं, अब तो दी फायदा देखने का, शराफत से लीग पे जाना है, मूवी देखने के लिए लिखा जाए, वेरी नाइस बिलाल, वेरी नाइस डियर, ठीक है, नाइस नाइस शॉर्ट फिल्म डियर, ठीक है। वो क्या हो गया तुरंत, क्या हो गया, रिलैक्स। अच्छा ये लिख रहे हैं, फिर वापस आना है और फिर भी मैच करना जी भाई, डन। आज हम रिएक्ट करने लगे भाई, मैंने शॉर्ट फिल्म बनाई थी, मैंने और ज्यादा बनाई थी बुक के महीना पहले, बुक के अनाउंसमेंट से महीना पहले, ठीक है। मैं तो सर्टन और अनसर्टन नाम पर बड़े बार बार अपने पोस्ट वगैरह में, स्टोरीज वगैरह में डाल रहा था इन दिनों में, कि भाई लोग बड़े क्यूरियस हो जाए क्या है, मुझे बयान सर्टन बहुत डालते हैं, तो क्यूरियोसिटी में जब होगी तो फिर मैं महीने बाद डालूंगा भाई, तो कोई बिलाल ने बुक लिखी है, ठीक है। जब वो ये करेंगे तो वो फोर्स ऑर्डर 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 करेंगे तो बैठी 10,000 सेल्स हो जाएगी। खैर तो आज आज हम लोग रिएक्ट करने लगे हैं, रिएक्ट नहीं कूगा बल्कि रिएक्ट क्यों, तुम्हें लेवल तो बंदा ही नहीं भाई, मैं आज डायरेक्टर्स कमेंट्री दूंगा अपनी शॉर्ट फिल्म पे, तो लेट्स स्टार्ट। बाय द वे ये नहा के लिए ऐप है, इतना एहतमाम ना मैं आप लोगों के लिए नहीं करता, ये तेल लगा हुआ था बालों का और मैं उसी तरह आ गया हूँ। हाँ हुडी नहीं ली है मैंने, मुझे गिफ्ट की थी, थैंक यू फॉर द गिफ्ट। तो In life, you have to destroy what is merely good to allow what is truly great to enter. इसका सिंपल सा मतलब है, कभी कभी जो चीज़ें हमें अच्छी लग रही होती है वो बड़ी अच्छी नहीं होती, और जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लग रही होती है वो बड़ी बेहतर होती है। जिस तरह काशिफ हमें अच्छा लग रहा होता है लेकिन काशिफ अच्छा नहीं होता, फुप्पो का बेटा जो मैं नहीं अच्छा लग रहा होता वो अल्लाह की तरफ से ज़्यादा बेहतर होते हैं, इसलिए वो आ जाते हैं। अब वो समझ आई, हाँ ये जो मैंने कोरोना डाला है ना पूरा, इट वॉज टू मेक द शॉर्ट फिल्म इवन मोर रिलेटेबल टू यू गाइस, आपको बेटर लग रहा होगा यार मेरी ही बात हो रही है, इस तरह कोरोना का पूरा सीन डाल दिया, वैसे मैंने मेरे बात की है, उसके बाद जो मैं बातें करूँगा अपने आपसे मूवी में उससे ना पूरा एक सीन दिया, बड़ी मेहनत करके ना बड़ा अपना दिमाग लगा सोचा सारा कुछ, उससे एक पूरा ना रिलेटेबिलिटी फैक्टर बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है ना। बंदे को लगेगा यार पता नहीं मेरे मेरे बिलाल मेरे दिल में भी घुस गए। एक्टिंग का बादशाह हो गया तेरे सर, अच्छा जी तो ये जो स्थिर है ना ये हाँ वाला, इसमें दो चीजें हैं, एक तो चीज़ ये थी कि भाईजान मुझे इजाद साहब कहते हैं रात, मैं ज़्यादातर वीडियो एडिटिंग और वीडियो मेकिंग और इस तरह की चीज़ें रात को करता हूँ, तो मैं वॉइस ओवर देता हूँ रात को बैठ के, अब मुझे इजाद साहब कहते हैं भाईजान वो तो चीख भी मार दी तुमने, मैंने कहा भाई रात के 2 बजे में चीखे मारूंगा मैं, सारे घर वाले पाव आ जाएंगे भागते भागते, जवान लड़का चीखे मार रहा है कमरे में, अल्लाह माफ़ करे क्या हो गया, ठीक है। दूसरी बात ये चेने ज़्यादा नज़र आ रही है, जो नज़र भी नहीं आ रही है से एज अ व्यूअर आपको, इन चेनो टाइप चीज़ों में इस आग को मिनिमम एक पूरा दिन या 2 दिन लगे हो गए, ये मेरे में बता रहा हूँ मैं, ये चेने बनाते हुए आफ्टर इफेक्ट से, ठीक है। तो आई अप्रिशिएट इस वर्क, अ बिग शाउट आउट टू हिम। इसके अलावा जो डीप थिंकिंग थी सीन के बिहाइंड, वो ये थी कि ये जो चेन्स है ये शो कर रही है बंदे का मेंटल प्रिजन, कि कैसे वो अपनी सेल्फ पिटी, सेल्फ डाउट, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सोशल प्रेशर, ठीक है ना, एक्सक्यूजेस, इन सब कंपेरिजन्स वगैरह से ना
अपने आप को उसने एक उसमें डाला है मेंटल प्रिजन में। ये चीज़ हम सारे करते हैं, सब सुबह उठ के मोबाइल देखते हैं, टाइम देखते हैं, फिर मोबाइल ही पकड़ के बैठ जाते हैं कि भाई शायद शगुफ्ता का मैसेज आया हो, और शगुफ्ता है वो मैसेज करती ही नहीं है, जैसे एक बदले बैठ लेट जाते। खैर ये मतलब तो उसका यार, काश मैं भी ऐसे सिंगर हैंडसम होता, सिंगर काश हैंडसम मैं भी वेल स्पोकन होता, काश मैं मेरे में भी कॉन्फिडेंस होता। रिलेटेबिलिटी हमें फैक्टर दी है देखो, वो भी ज्यादा ही दे दी यार। देख यार सारे कितना खुश है, लेकिन ये भी है ना, उनको मेरे जैसा दुख नहीं मिले, उनका मेरे साथ पास नहीं है। दे हैव लविंग पीपल अराउंड देम, दे हैव पीपल हु केयर एंड लव देम अनलाइक मी। वो देख शकीब, उसका कितना दोस्त है, कितना खुश लग रहा है वो, और एक मेरी यार जो ये सीन थोड़ा सा लेट पॉज किया। खैर ये सीन जो है ये वाला, ये सीन बड़ा प्री प्लान था। ये सीन ये दिखा रहा है कि बंदा कैसे खुश हो रहा है, ठीक है, एकदम से कोई पास्ट ट्रॉमा, कोई ऐसे हादसा जिसकी वजह से बंदा बड़ा ना वो हुआ है, टच हुआ है। हमारे जिंदगी में ऐसे हादसा होते हैं, किसी के लॉस हो जाए या क्या कहते हैं उसको, वैसे कोई पास्ट ट्रॉमा हो, कोई बैड एक्सपीरियंस हो जिंदगी का, ठीक है, तो उसकी वजह से ना ये चीज़ बैक ऑफ द माइंड चल रही होती है। तो सिर्फ ये दिखाया है कि पहले वो हंस रहा था लड़का, ठीक है, फिर उसको वो चीज़ याद आई दोबारा, उसकी शक्ल बन गई। और दूसरा ये जो जो सीन में चल रही है वो है विक्टम माइंड सेट और एक्सक्यूज माइंड सेट। एक्सक्यूज और विक्टम बना रहा है, अपने आपको विक्टम पेश कर रहा है और एक्सक्यूज बना रहा है कि बाकी क्यों अच्छे हैं, बाकी क्यों मुझसे बेहतर है, कंपेरिजन्स कर रहा है, ठीक है, और सारा कुछ। आप लोग समझ ही रहे होंगे, बेवकूफ़ नहीं है, आई होप। मेरा अपना खून, मेरी अपनी अम्मी अबू भाई बहन सारे अपने मामले से बड़े होते हैं, मेरा किसी को परवाह ही नहीं है, मेरा किसी को ख्याल ही नहीं है, नो वन लव्स मी। यार से यार से जिंदगी का फायदा क्या है? We all have done that at one point of our life. ये अकेले बैठ के ना हेडफोन लगा के, हेडफोन लगाओ ना लगाओ, लेकिन अकेले बैठ के इस तरह का ना एग्जिस्टेंशियल सवाल पूछना, और जो सवाल बाद में सुसाइडल भी हो सकते हैं। पैदा होते हो, फिर आप बड़े हो जाते हो, फिर आप मर जाते हो, व्हाट्स व्हाट्स द पॉइंट? अगर मैं आज मरूं या फिर मैं 10 साल बाद मरूं, सुसाइडल 20 साल बाद मरूं, व्हाट्स द पॉइंट, व्हाट्स द डिफरेंस? देख भाई सिंपल सी बात है, उसने किताब लिखी है, इसलिए लिखी है क्योंकि उसके घर में स्कूल है, एक्सक्यूज माइंड सेट, उसकी अम्मी अमीर है, उसके घर में स्कूल है, उसने किताब लिख ली। मेरे मुसीबतें इतनी है, आफतें इतनी है, ठीक है ना, मुझे जिंदगी में स्कूल ही नहीं है, जब स्कूल होगा तभी मैं कुछ करूँगा ना आगे, ठीक है ना, स्कूल ही नहीं है तो मैं क्या करूँ, ठीक है ना, वरना मैं भी लिख लूँ, कौन सी बड़ी बात है। और किताबें कितने लोग लिखते हैं, इतनी किताबें छपती हैं, तो कोई भी लिख ले, मैं भी लिख लूँ, कौन सी बड़ी बात है यार। वैसे फिलहाल एक बात है, पता नहीं अच्छा हो या ना हो, या फिर तू कभी किसी चीज़ जीतते जीते हैं, लेकिन एक चीज़ में तो वही जीतेगा, तेरे से ज़्यादा बेकार और फजूल किसी की जिंदगी नहीं होगी, किसी की जिंदगी नहीं होगी। बसा बसा 2 दिन कोई सुकून मिलता है, थोड़ा कंट्रोल आता है जिंदगी में, फिर कोई अनसर्टनिटी आ जाती है, सारा मेरा काम खराब हो जाता है। क्या यार अजीब, अल्लाह तआला ने ना कुछ लोगों को इसीलिए बनाया होता है ताकि जो लास्ट पोजिशन है ना वो हमेशा भरी रहे, और तुम हो ही उसी के लायक, तुम्हारी डेस्टिनी ही वही है, तुम रहोगे ये बशर वैसे ही। ये जो सीन है ना, ये जो एंगल है, इस एंगल के लिए साहब चल रहा है ऐसे टांग निकाल के, बेचारा फुल चौकड़ी मार के ऐसे खड़ा हुआ, लो लो क्या, मैं कहा मैं खड़ा हो रहा हूँ, बेचारा ऐसे कांगड़ी भर के बेचारे ने सीन लिया। ये मूवी में तो फील भी नहीं हो रहा, लेकिन ना खैर बेचारे ने इस तरह छोटी छोटी डिटेल्स में बड़ी बेहद लगी हुई है बॉय की, मेरी दी लगी हुई इतनी हाल उसकी बॉल लगी हुई है यार। वैसे वो इलोन मस्क कितना अमीर है, काश मेरे पास भी गाड़ी होती, मैं भी खुश होता। अब
देखना, बट वॉइस तस्वीर ले आता है 10 मिनट में 100 लाइक्स होते हैं, ठीक है ना, 2 घंटे में 500, 1 दिन में 1000 लाइक्स होते हैं, और यहाँ पे तस्वीर लगाता हूँ हफ्ते में या फिर 20-30 लाइक्स आते हैं। काश मैं ओबर्ड आवाज होता यार। नहीं, अल्लाह का शुक्र है मैं अपने आप में ठीक हूँ। काश मैं भी इतना प्यारा होता, काश मैं भी इतना वेल स्पोकन होता, काश मुझे भी लड़कियाँ पसंद, काश मेरे भी फैन फॉलोइंग होती। देयर यू लुक सो प्रिटी विद दैट हेयर एंड दैट। भाई जब तुझसे ना हो पाएगा तो मेरे बटा छुट्टी कर, तुमसे ना हो पाएगा तो ना रहते। अम्मा भी देखे उससे ज़्यादा क्या करती है, उसको तो हमेशा लिफ्ट करती है, उससे तो हमेशा बातें करती है, उसको तो हमेशा जब भी मैसेज ही होता है दे देती है। मेरे साथ तो सलूक नहीं है, मेरे साथ तो सीधे मुख बात ही होता, मेरे साथ जब भी बात होती है तो पढ़ाई लिए आ जाती है, फिर मेरे करियर आया था, फिर ताने जहन भी आ जाते हैं। क्या मैं नहीं प्यारा बच्चा, बहुत लेव डायलॉग, क्या मैं प्यार डिजर्व नहीं करता? अब आपने नोटिस किया ना किया हो, लेकिन ये सारी बातें हम में से किसी ना किसी नहीं, बल्कि हम सब में कभी ना कभी कुछ ना कुछ ज़रूर ना किसी चीज़ से रिलेट कर रहे होंगे इस मूवी में, ठीक है। शायद अब छोड़ दिए, लेकिन कभी किसी ज़माने में ज़रूर रिलेट कर सकते थे। भैया आप इसके लिए रेडी नहीं है, आप इस स्पीच लिए रेडी है ही नहीं। ये जो है ना, ये बड़ी मोटिवेशनल स्पीच आने लगी है, तैयार हो जाएगा। देख बिलाल, सीधी सी बात है, देर आर ओनली टू वेज, या तो अपनी किस्मत पछता, अपने माजी में मयूस हो और बहाने बना, या फिर तो अपने माजी को अपना, डिफाई द ऑड्स और कर दे हर मैदान फतेह। माय फेवरेट सीन, ये लास्ट सीन की जो है ना विजडम, या लास्ट सीन की थिंकिंग वो ये थी कि पहली बात तो ये है कि सीन ऐसे हमने प्लान नहीं किया हुआ था, हमने प्लान किया हुआ था कि बता था आगे धुआं है और आहिस्ता आहिस्ता ना वो गायब हो रहा है। जो धुआं है वो है अनसर्टेंटी, और जो बंदा है ना वो सर्टन माइंड सेट से आगे बढ़ रहा है और अनसर्टेंटी को फेस कर रहा है रादर देन छुपे उसे। मास्क मैंने इसलिए पहना क्योंकि कोरोना की वजह से हम लोग मास्क पहन रहे थे एज अ प्रिकॉशन, और जिंदगी को कंटिन्यू कर रहे थे टू यू नो एज अ सिंपल ऑफ टू शो ए ग्रिल अनसर्टेंटी। तो उसे ये दिखाया कि भाई प्रिकॉशन लेके सर्टन माइंड सेट से बनता अनसर्टेंटी में स्टेप इन कर रहे हैं। सोचा था हमने कि भाई एंड जा जाते थे ना बिल्कुल सारा धुआं हो जाएगा और वो गायब हो जाएगा अनसर्टेंटी में, लेकिन वो एडिटिंग के मसलों की वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं कर पाए। लेकिन इस पूरे उसकी वजह से, विजडम की वजह से ये था कि एक सर्टन माइंड सेट से बनता अनसर्टेंटी के बस मूव ऑन कर रहा है और फेस कर रहा है उसको, ठीक है। जो बुक का भी एक तरह से थोड़ा सा क्रक्स है यही चीज़, तो और इसी पे मैं वापस साइड में लिखा था सर्टन सर्टन कमिंग सून। तो भाई ये थी शॉर्ट फिल्म, थोड़ी सी डीप भी थी, थोड़ा अगर आपने थोड़ा दिमाग लगाया तो उसमें कुछ छोटे छोटे सीन्स 2 सेकंड के 3 सेकंड के सीन्स ऐसे थे जिनमें बड़े डीप डीप मतलब थे, स्पेशली वो जो अंधेरे में अपना पास्ट याद कर रहा है वो वाला सीन, जो सजदा किया है वो वाला सीन, जो मास्क पहना है वो वाला सीन। ये 4-5 सीन हैं जो बिल्कुल 2 सेकंड के लिए, लेकिन ये बड़े डीप है। अगर आप इस पर सोचो, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जो ज़्यादा एक्सप्लेन करने से अपना बंदे का ना मतलब ख़त्म हो जाता है। तो देखिए शॉर्ट फिल्म, अपना जो मतलब है निकालें। सी यू गाइस द नेक्स्ट टाइम। कंसिस्टेंसी आ रही है भाई, कंसिस्टेंसी आ रही है। सी यू गाइस द नेक्स्ट टाइम। फिर मौलाना थोड़ी लंबी हो गई थी वीडियो वैसे।